एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो फ्राइडे को मैंने वीकली मील प्लान अपना जो है ना किया था, तो जिसकी रिकॉर्डिंग की थी और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीकली प्लान की शुरुआत मैंने की थी थर्सडे नाइट स्प्राउट से। तो स्प्राउट के लिए मैंने यहाँ पे मूंग, मोठ, चने और एक चम्मच मेथी के दाने लिए हैं। मेथी के दाने आप जो है ना स्प्राउट में डालिए, उससे जो ना स्प्राउट अक्सर जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है ना वो नहीं होगी। ज़्यादा नहीं, बस एक चम्मच मेथी के दाने डाल के आप इसका जो है ना स्प्राउट बना लीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने शुरुआत किया, यहाँ पे मैंने अमेजोन से ये कुछ कंटेनर मंगाए थे फ्रिज में रखने के लिए, इस तरीके के है। इन कंटेनर्स की खासियत ये है, एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, हाँ प्लास्टिक के हैं, बट मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना नहीं है। तो प्लास्टिक से देखिए, हम 100% तो प्लास्टिक प्रूफ नहीं हो सकते हैं, प्लास्टिक से यू नो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कुछ परसेंट में ही सही प्लास्टिक हमें अभी भी इस्तेमाल करना ही पड़ता है। काफ़ी चीज़ों में मैंने स्टील, ग्लास वगैरह कन्वर्ट किया है, बट इट्स ओके, आई मीन एकदम से हम इन्हें नहीं हटा सकते हैं। तो ये जो कंटेनर है, ये स्टैकेबल कंटेनर है, एक दूसरे के ऊपर हम रख सकते हैं। इसमें ये वाइट एक जाली मिली है, जिससे जो है ना पत्तेदार सब्जियों में जो है ना नीचे जो एक पसीना सा, पानी सा हो जाता है, वो नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कंटेनर धो के रख दिए और मैंने अच्छी खासी सब्जी मंगाई है, बिकॉज मेरे घर में कुछ स्पेशल है, मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी लाल गाजर मंगाई है, गाजर के हलवे के लिए ड्रमस्टिक आया है, सैलेड के लिए ये कुकुम्बर है, और हस्बैंड जो है ना 6 किलो मटर लेकर आए हैं। 6 किलो मटर ऑब्वियसली एक टाइम के लिए तो नहीं है, दो टाइम के लिए भी नहीं है, ये जो है ना मैं जो अपना एनुअल स्टॉक रखती हूँ ना डीप फ्रीजर में मटर का, उसके लिए है। और मिर्च मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाई है, बिकॉज मुझे मिर्च का जो है ना अचार बनाना है बिना तेल वाला। मैंने ये रेसिपी शेयर की थी, आप देखिएगा ज़रूर, बिना तेल वाले मैंने 4 डिफरेंट पिकल्स की रेसिपी शेयर की थी उस व्लॉग में। और यहाँ पे थोड़ी सी लहसुन मैं जो है ना पानी में सोक करके रख दूँगी, सो दैट इसे जो है ना छिलना बहुत ही आसान हो जाता है। और मुझे बनानी है अदरक लहसुन की पेस्ट, तो बस ज़्यादा नहीं, मैंने लगभग 100-150 ग्राम के करीब जो है ना लहसुन पानी में भिगो के रख दिए, उसे बाद में मैं छिलूँगी। इससे क्या होता है ना, लहसुन की स्किन बहुत ही ईजिली निकल के छिल जाती है। और गाजर को जैसा कि आप जानते ही है, मैं पानी में डाल के स्टोर करती हूँ, जिससे गाजर जो है ना सूखती नहीं है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है ना फ्रेश रहती है। ऑलमोस्ट 1 मंथ तक आप गाजर को ना पानी में सो करके रख सकते हैं। और ये मेरे किचन का दूसरा नया मेहमान, अनियन और जो पोटैटो का ट्रॉली होता है ना, वो पहले मैं इस ड्रॉअर में रखती थी अनियन पोटैटो, बट इसमें ना अक्सर अनियन थोड़े से ख़राब हो जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये ट्रॉली खरीदी। और इस ट्रॉली में मैं पहले तो मेरे पास ये इस तरीके का जो कॉटन बैग आता है ना, तो उस कॉटन बैग को ही कट करके और इसमें नीचे लगा दूंगी, ताकि इस जो जाली होती है ना, इसमें होल्स होते हैं, इस होल्स से जो है ना अनियन के छिलके वगैरह नीचे ना आए और कचरा ना हो। तो इस तरीके से कोई भी जो कॉटन के आजकल आते हैं ना, पॉलीथीन प्लास्टिक के ना आके कॉटन के, उन्हें जो है ना बस दो हाफ करके आप इस तरीके से लगा सकते हैं, और इसके ऊपर आप अनियन रखिए। तो अक्सर आप अनियन रखते हैं तो उसके ना छोटे मोटे छिलके वगैरह निकल के नीचे कचरा होता है, तो बस वो अवॉइड करने के लिए मैंने ये टेक्निक अप्लाई की है। और आलू के लिए भी सेम उसी कवर का। और यहाँ पर बाकी की सब्जियाँ जो है, ब्रिंजॉल और ये सब भी मैं फ्रिज में जो है ना सेट कर दूंगी। वैसे आप बीटरूट को भी लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना है तो पानी डाल के रख सकते हैं, उससे बीटरूट जो है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होते, बट मैं फ़िलहाल ड्राई रख रही हूँ, बिकॉज मुझे बीटरूट इमीडिएटली कल ही एक रेसिपी में इस्तेमाल करना है इसलिए। और ये कंटेनर जो है ना, मैं अच्छे से इन्हें जो है ना एक सूखे कपड़े से साफ़ करके पोंछ लूँगी। और हरी मिर्च को मैंने अच्छे से धो लिया और उसका जो स्टेम होता है ना वो भी निकाल के और इसे सूखे कपड़े से पोंछ के मैं इसे जो है ना कंटेनर में स्टोर करके रख दूँगी। और जैसा कि मैंने बताया, ये पूरी मिर्च मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ सब्जी वगैरह में, आधी मिर्च जो है ना इसकी मैं बनाऊँगी अचार। तो बस इस कंटेनर में मैंने सारी मिर्च को भी स्टोर कर दिया, और ये कैप्सिकम भी मैं इस कंटेनर में जो है ना पोंछ के रख दूँगी। साफ़ सुथरा रहेगा तो इमीडिएटली जो है ना निकालो और यूज़ करो। तो एक दिन बना ले कि थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, बट इस तरीके से करके रखो तो बाद में जो वीकडेज में काम होते हैं ना वो काफ़ी इजी भी हो जाते हैं। तो धनिया का जो है ना मैंने रूट वाला पोर्शन अलग करके उसे भी रख दिया, थोड़ा टिश्यू पेपर बिछा के,
और अदरक को भी मैंने भिगा के रखा था, तो इस तरीके से एक टूथब्रश से, वैसे ये टूथब्रश जो है ना किचन का ही है, इससे मैं किचन रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वही क्लीन करती हूँ, तो ये एक किचन प्रोडक्ट है मेरा। तो इसे भी जो है ना मैंने अदरक को अच्छे से धो के पोंछ के रख दिया, सो दैट जो है ना जब भी चाय बनाना होता है ना तो बहुत ही ईजी होता है। और ड्रमस्टिक जब भी मेरे घर में आता है मैं इसे इमीडिएटली जो है ना इस तरीके से छील के काट के ही किसी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक पाउच में डाल के इसे फ्रिज में स्टोर करती हूँ। उसे क्या होता है ना कि ड्रमस्टिक अगर आप 2 या 3 दिन के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो ये सूखती नहीं है, श्रिंक नहीं होती है। फ्रिज में अक्सर अगर हम ड्रमस्टिक को ऐसे ही रख देते हैं ना पूरी की पूरी डंडियाँ, तो ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है और देन उसके बाद इसे छीलना एंड कट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और टेस्ट में भी डिफरेंस आ जाता है। तो आप इस तरीके से छील के काट के अगर एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे ना तो ये आराम से 10-15 दिन तक अच्छी रहती है। और यहाँ पे मैं लहसुन को भी जो है ना इस तरीके से छील लूँगी, तो लहसुन को भी अगर आप पानी में भिगा के रखते हैं एंड देन उसके बाद छीलते हैं ना तो इसे छीलना जो है ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल क्वांटिटी में ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी है लहसुन अदरक लिया है, जिसे थोड़ा सा क्रश कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें जो है ना 1.5 चम्मच तेल डाला और उसके बाद मैंने इसका जो है ना फाइन सा पेस्ट बना लिया। ये फाइन सा पेस्ट बना के मैं इसे जो है ना ग्लास के कंटेनर में डाल के फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी, तो मेरा 10 दिन जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी होगा। ऊपर से थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने तेल डाल दिया और ये कंटेनर देखिए अब कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसमें जो है ना मैंने 1 में नींबू डाल दिया। और वीकली मील प्लानिंग में मेरे घर में जो है ना एवरी वीकेंड पे डोसे का बैटर ज़रूर बनता है, तो इडली डोसे का कॉमन बैटर बनाती हूँ मैं, तो वो भी तैयार है। और अमूल बटर, तो अमूल बटर को भी आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। इसका जो है ना ये बटर पेपर निकाल लीजिए अच्छे से और इस बटर पेपर को जो है ना हम कैंची से थोड़ा सा पीस देखिए इस तरीके से जो है ना काट के और किसी कंटेनर में ना आप नीचे इस पेपर को बिछा दीजिए और उसके बाद ना बटर के आप छोटे छोटे क्यूब्स कट करके रखिए। उससे क्या होता है ना कि बटर का कंजम्पशन बहुत ही प्रॉपर वे में होता है। जब भी आपको ज़रूरत चाहिए आप 1 क्यूब उठाइए, 2 क्यूब उठाइए और बटर का इस्तेमाल करिए, तो उससे बटर वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। और इस तरीके से क्यूब्स कट करके अगर आप रखेंगे ना तो प्रॉपर आप इसका जो है ना कंजम्पशन कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो है ना मैं अगेन से ये पूरे बटर आपस में चिपके ना, इसके लिए ये जो बटर पेपर है ना उसे कट करके उसकी लेयर लगा दूंगी। अक्सर ऐसे ही डाल देने से क्या होता है ना कि जब फ्रिज का टेम्परेचर थोड़ा होता है ना कि अभी करंट चलेगा या कभी कंटेनर बाहर निकाला अंदर रखने में टाइम लग गया तो ये पिघल के चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे इसी के बीच में अगर ये बटर पेपर रख के लेयर्स करके 3 टायर में आप अगर इस बटर के जो क्यूब्स है रखेंगे ना तो ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं और प्रॉपर क्यूब्स इसके रहेंगे। और जब भी आपको इस्तेमाल करना है आप 2, 3, 4, 5 जो भी क्यूब्स आपको चाहिए बटर के आप निकालिए और उसका इस्तेमाल करिए। मेरे घर में बटर जो है ना रेगुलरली ब्रेड के लिए और कई बार पराठों के लिए और कुछ कुछ डिफरेंट वैरायटीज़ में मैं इस्तेमाल करते रहती हूँ, तो इस तरीके से मैं क्यूब्स में हमेशा बटर को कट करके एक कंटेनर में फ्रिज में रखती हूँ, उससे बटर का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप भी ये ट्रिक ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपके साथ बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाला गरम मसाला का रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी गरम मसाला ये बनता है। और उसके लिए मैंने 1 कप जो है ना पहले सूखा खड़ा धनिया जो है ना स्लो फ्लेम पे थोड़ा अच्छे से भून लिया। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा हम इसे स्लो फ्लेम में 1.5 मिनट भूनेंगे और 1 प्लेट में निकाल के रख देंगे। और उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम देखिए बंद कर दिया है और गैस का फ्लेम अभी ऑन नहीं करेंगे। और इसी पैन में मैं लूँगी 2 टेबलस्पून काली मिर्च और ये वाला गरम मसाला जो है ना बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। और इसके बाद मैंने इसमें डाली है 4-5 बड़ी इलायची, काली इलायची भी कहते हैं हम इसे। 1 मैंने डाला है इसमें जायफल यानी कि नटमेग और 4 मैंने चक्रफूल लिया है और 4 ये मेस बोलते हैं जिसे जावित्री वो, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया लौंग और लगभग 2 टेबलस्पून के करीब लिया है यहाँ पे पत्थर के फूल और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पे हरी इलायची और ये 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पे रेगुलर जीरा
और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी शाहजीरा। इसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मैंने यहाँ 6-7 काश्मीरी लाल मिर्च ली है और 1/2 कप मैंने लिया है पिंक रोज, देसी रोज होता है ना, उसे मैंने सिंपली धूप में सुखा दिया था। और रोज़ से जो है ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस गरम मसाले में, और यही होता है कि ढाबे स्टाइल का जो गरम मसाला होता है ना उसका सीक्रेट। 10-15 पत्ते मैंने तेज़ पत्ते के लिए हैं, इस तरीके से इन्हें कट करके डाल दिया। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और बिल्कुल स्लो पे गैस फ्लेम को रख के इसे जो है ना 2-4 मिनट अच्छे से भून लेंगे। इसे अच्छे से हमें इसलिए भूनना है ताकि इसमें थोड़ी बहुत नमी है वो निकल जाए। दालचीनी को मैं इस तरीके से जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूंगी ताकि ये जल्दी और अच्छे से भून जाए। काश्मीरी लाल मिर्च को भी हम जो है ना इस तरीके से कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसे भून लेंगे, उससे भूनने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इस गर्म मसाले का जो है ना मेन आपका फ्लेवर है ना वो आता है गुलाब के पत्तों से, तो बहुत आसान होता है। गुलाब के पत्ते जो देसी गुलाबी या लाल गुलाब होते हैं ना, अपने धूप में सुखा दीजिए। देखिए अच्छे से भून चुका है, तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और अब हम बनाएंगे ये जो लाल मिर्च आती है ना, ताज़ी वाली लाल मिर्च, उसकी बहुत ही टेस्टी वाली चटनी। तो मैंने यहाँ पर जो है ना लाल मिर्च को धो के काट लिया और अब पैन पे लिया है यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच तेल और उसमें डाला 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच खड़ा धनिया और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें लिया है मेथी के दाने। और यहाँ पे लहसुन ली है मैंने, लगभग 1/4 कप जो है ना लहसुन है। लहसुन को हल्का गुलाबी होने तक हम इसमें जो है ना थोड़ा भून लेंगे और उसके बाद 1 नींबू के साइज़ की जितनी हम लेंगे इमली। इमली को मैंने धो के इसमें डाल दिया और देखिए लहसुन जो है ना गुलाबी हो चुकी है, तो इसमें मैंने डाल दी ये ताज़ी कटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास ताज़ी लाल मिर्च नहीं है तो आप सूखी मिर्च को भी जो ना पानी में 1/2 घंटा भिगा के और उसकी चटनी बना सकते हैं। और अब इस लाल मिर्च को जो ना हम थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे फुल फ्लेम पे। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक, लगभग 2 से 2.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला और इसे अच्छे से मिक्स करके हम जो है ना इसे स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर कुक होने देंगे और ताकि ये थोड़ी सी जो ना नरम हो जाए और उसके बाद हम इसकी चटनी बनाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम इसे चेक करते हैं तो अच्छी खासी जो है ना मिर्ची कुक हो चुकी है और गैस का फ्लेम बंद करके हम इसे जो है ना थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो जब तक मिर्ची जो है ठंडी हो रही है तब तक हम अपने गर्म मसालों को भी चेक कर लेते हैं। तो गर्म मसाले भी यहाँ पे देखिए पूरे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से जो है ना सीके हैं। देखिए सब जो है ना ईजिली चूरा चूरा हो जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी क्रिस्पी है और बहुत ही अच्छे से हमने इसे स्लो फ्लेम पे सेका है। तो बस इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के आप इसका जो है ना बना लीजिए गरम मसाला पाउडर। और ये गरम मसाला पाउडर बिल्ली में फ्रेंड्स बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। किसी भी सब्जी में, पनीर की सब्जी, इवन आप नॉनवेज अगर खाते हैं तो उसमें भी आप डालिए, बहुत ही परफेक्ट जो है ना एक मसालों का ब्लेंड तैयार होता है। तो मैंने फ़िलहाल इसे ढका नहीं है, ओपन ही रखा है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि हम मिक्सर ग्राइंडर में पीसते हैं ना तो हल्का सा ये वॉर्म हो जाता है। तो इसे ठंडा करके ही हम इसे कंटेनर का ढक्कन लगाएंगे। और यहाँ सेम जार में मैंने ये जो मिर्ची हमने तली थी ना, भुनी थी थोड़ी सी, उसमें 1/2 कप पानी डाल के इसे इस तरीके से पीस लिया। और सेम पैन में मैंने जो है ना 4 टेबलस्पून तेल लिया है, तेल गर्म होते ही 1 चम्मच जीरा डाला, 1 चम्मच राई डाली मैंने इसमें और 1/4 टीस्पून मैं इसमें जो है ना हींग डालूंगी। और उसके बाद ये जो मिर्च का हमने पेस्ट तैयार किया है वो पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। इसे कर लीजिए आप अच्छे से मिक्स और मिक्सर के उसी जार में 1/2 कप पानी डाल के मैंने वो पानी इसमें डाल दिया। और इसे अच्छे से मिक्स करके जो है ना आप इसे ढक के स्लो फ्लेम पे पका लीजिए, तब तक जब तक ये पूरा ऑयल इसमें से सेपरेट नहीं हो जाता और इसका जो है ना कलर भी चेंज नहीं होता। आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है, ढक के आप फुल फ्लेम पे मत पकाइएगा और बीच बीच में आप इसे जो है ना थोड़ा सा मिलाते रहिए ताकि ये नीचे से चिपके ना। तो अब जब तक मिर्च भून रही है इसमें अच्छे से मिर्च की चटनी, तब तक मैं यहाँ पर मुझे ना सोट का पाउडर बनाना था, यानी कि ड्राई जिंजर का पाउडर, तो वो भी मैं जो है ना थोड़ा सा खलबत्ते में कूट के उसका पाउडर बना लूँगी। ये पाउडर मैं रेगुलर बच्चों को दूध में और दही में डाल के देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को जो है ना कफ की प्रवृत्ति है, तो उनसे सोड से जो है ना कफ
इतना ज़्यादा फॉर्म नहीं होता है उन्हें। तो ये जो चूरा निकला है ना सोट का, तो इस चूरे को हम फेंकेंगे नहीं, इसमें भी अच्छा खासा फ्लेवर है। तो इसे मैंने जो है ना चाय पत्ती में मिक्स कर दिया। चाय पत्ती में मिक्स करने से जब जब हम चाय बनाएंगे तो अच्छा खासा सोट का फ्लेवर आएगा। आप सेम टेक्निक इलायची के पाउडर के साथ भी कर सकते हैं। इलायची पाउडर बनाए तो उसका भी चूरा आप इलायची आपकी जो चाय पत्ती है उसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए चटनी का पूरा ऑयल सेपरेट हो चुका है और उसका कलर भी देखिए काफ़ी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसे जो है ना गैस का फ्लेम बंद करके ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे जो है ना किसी कंटेनर में हम भर के रख लेंगे। और ठंडा करने के बाद इसका कलर जो है ना थोड़ा और डार्क हो जाता है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, इतनी टेस्टी और यमी चटनी बन के तैयार होती है। तो देखिए चटनी जो है ना ठंडी हो चुकी है, तो इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र करके मैं इसे फ्रिज में रख लूँगी और फ्रिज में आराम से 1.5-2 महीने तक ये चटनी ख़राब नहीं होती। और इस चटनी की खासियत ये है कि पूरी, पराठे, डोसे, इडली सब के साथ जो है ना औसम सा इसका जो है ना टेस्ट आता है। तो बस इस चटनी को भी हम रख देंगे फ्रिज में। और ये जो सारे कंटेनर्स मैंने जो नए खरीदे थे वो भी देखिए आप इस तरीके से जो ना फ्रिज में एक के ऊपर एक रख के आराम से इसे रख सकते हैं। काफ़ी कम स्पेस में काफ़ी कुछ आप जो है ना इसमें स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी को ये कंटेनर ख़रीदने हैं तो मैं लिंक आपके साथ जो है ना अमेज़ॉन का शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ये मील प्लानिंग का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।